So, hi Raghav, hi Shivin, welcome to Filmy Beat. Firstly, congratulations. People are loving the song. So, starting with you, Shivin, kaisa raha experience? Kya kuch kehna chahoge? Like working with Apoorva and saath mein Raghav ke saath kaisa tha? First of all, thank you so much, Monica. बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था. आई गेस अगर आपने सॉन्ग देखा होगा तो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ सॉन्ग एंड इट्स वीडियो. जैसे बेसिकली आजकल हम देखते आ रहे हैं म्यूजिक वीडियोस, भाई मैंने भी आई बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ म्यूजिक वीडियोस, बट ये एकदम ही कुछ अलग सेंस में और अलग स्टाइल में शूट हुआ गया है. इट्स लाइक ऑल टुगेदर इट्स लाइक एक फिल्म को 5 मिनट के अंदर कहा है. सो आई गेस दैट्स द एक्सपीरियंस. Talking about working with Apoorva, Raghav, Karan, Viral Originals, I guess it's been an amazing journey. जैसे कि मैंने अभी कहा था, किसी से मैं बात कर रहा था कि कोई भी चीज ऐसी थी नहीं कि अच्छा ये परफेक्ट नहीं था, ये ऐसा नहीं था. Everything was good. Like since the first day when Viral approached me for this song, so everything was like okay, song is very good, script is very good, the actress is good, our director is really good. So there was nothing like कि कुछ अच्छा नहीं था, बहुत ही अच्छा था. शूट बहुत अच्छे से हुआ है, गाना बहुत अच्छा है, एंड सबसे अच्छी बात जो ऑडियंस है हमारी वो एक्सेप्ट कर रही है सॉन्ग को. नथिंग लाइक दैट, एंजॉयिंग दैट. राइट, एंड राघव आपसे जानना चाहूंगी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस सिंस यू आर न्यू टू दिस इंडस्ट्री? कैसा रहा? नर्वस थे, एक्साइटेड थे, क्या कुछ फीलिंग्स थी? Yeah, it's been a great experience. Like, it's been just 1 year that I had my first Bollywood playback. I'm like very new to this. I was in Mumbai for the past like 6 years, but this is very new because I had my first Bollywood last year. So it's been a great journey, man. I was sitting Anurag Saikia, the composer. Like, he's my yeah. Like, I respect him a lot. I was sitting at his. I had like he had played that song to me once. And I was like, "Bhaiya, this is great. I want to sing it. I don't know how." He was like, "I'm not sure. Kaun sa label mein jayega, but you can try." Like, I am trying. I am trying for like 5,000 times, but I am singing for this for sure. So I went ahead and I gaya, and then we paid it to Yash. Yash is one of our friends from university. He's an A&R. उसको भी अच्छा लगा. तो when he liked, then आगे fortunately viral में जितने भी जो the people who head viral, they really love my voice. सबको अच्छा लगा. Finally गाना हुआ. Then finally the lyricist Kunal Verma, वो भी बहुत मेरे भाई जैसे हैं. He came on board, उन्होंने बहुत अच्छा रखा. And जो तब as in मेरे हिसाब से 50% तो song था, 50% song को जो अच्छा हुआ है वो कुनाल भाई के वजह से, because उन्होंने बहुत अच्छा ले रखा है. मतलब जो राइटिंग है उनकी, I love his writing. वो उन्होंने लिखा तो बना. एंड देन ऑफ कोर्स शिवन एंड अपूर्वा तो बहुत ही क्यूट लग रहे हैं वीडियो में, बहुत अच्छा किया है. तो उसकी वजह से वीडियो और गाना और अच्छा लग रहा है. लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं. पीपल आर रियली लाइकिंग इट. सो इट फील्स वेरी वेरी नाइस. राइट, शिवन आपकी अगर मैं बात करूँ तो आपका जो भी अब तक सीरीज देखे हैं, आपकी केमिस्ट्री सारे एक्टर्स के साथ अच्छी लगती है, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी अभी तक बेस्ट ट्यूनिंग किसके साथ बैठी है, कौन सा कोएक्टर के साथ, तो अब तक वही सॉन्ग्स को लेके हो या सीरीज को लेके हो, तो लेकिन किसके साथ? टू बी ऑनेस्ट, आई गेस मैं बहुत लकी रहा हूँ इस चीज में दैट ऑल द फीमेल लीड्स जिनके साथ मैंने काम किया है, they were like really good, really talented, really beautiful and really good at their job. So मैं किसी एक का नाम लूँ तो वो गलत रहेगा कि अरे इनका, क्योंकि सबके साथ एक अलग केमिस्ट्री होती है, एक अलग टाइम स्पेंड किया होता है. You have made something really beautiful together and it's like a team effort. कई जगह ऐसा होता है कि फ्रेंडशिप बहुत ज्यादा हो जाती है तो एक वो एक बॉन्ड आगे भी चलता रहता है. कई सेट पे या उस टाइम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं. सो कोई एक प्रोजेक्ट चूज कर पाऊं, दैट इज रियली वेरी डिफिकल्ट. बट आई गेस सबके साथ एक अलग एक्सपीरियंस होता है, सबसे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, सबके साथ एक अलग अलग, यू जस्ट शेयर डिफरेंट बॉन्ड विद एवरीवन. सो उसको अच्छे बुरे बेस्ट सेकेंड बेस्ट में अगर मैं रखूं तो दैट वुड नॉट बी फेयर ऑन एनीवन. बट यस, अगर रिसेंटली अगर मैं बात करूं, रिसेंटली ऑल माय शोज और ऑल माय म्यूजिक वीडियोस एंड कमिंग टू दिस वन दुनिया, अभी अगर आज मैं बात करूं तो अपूर्वा एंड मेरी फर्स्ट टाइम पेयरिंग है. अपूर्वा अभी हमारे साथ यहाँ पे नहीं है, बट बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए था. हम ज्यादा एक दूसरे से बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा उतना लंबा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, हार्डली 2 डेज, वो भी एक दिन उसमें से अपूर्वा सो ही रही थी पूरा दिन. सो बट बहुत ही एक
कुछ आपको हर एक नए इंसान से कुछ सीखने के लिए मिलता है. सो दैट वॉज अ ग्रेट थिंग. शी इज अ ग्रेट परफॉर्मर एंड हम दोनों की केमिस्ट्री क्लिक हुई एंड अच्छा लग रहा है लोगों को सॉन्ग एंड एक्सेप्ट कर लिया. सो आई गेस दैट्स द बेस्ट थिंग. ये सबसे अच्छी बात है कि मैं जिसके साथ भी कुछ भी काम कर रहा हूँ तो ऑडियंस एक्सेप्टिंग इट. ऐसा नहीं लग रहा कि यार वो वाली जोड़ी ज्यादा अच्छी थी, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा. सो टचवुड आई एम लकी इन दैट दैट आई एम गेटिंग अ गुड सपोर्ट विद मी एंड आई एम गेटिंग पीपल हु आर लाइक गुड एंड टैलेंटेड एंड वर्किंग विद एंड यस ऑल द फीमेल लीड्स आर ब्यूटीफुल. सो यस Okay, that was smart answer. लेकिन इसके अलावा अगर मैं इस गाने की बात करूँ तो इस गाने की ऐसी कौन सी लाइन है जो आप लोगों को काफी पसंद है? दोनों से जानना चाहूंगी, राघव एंड शिवन, आप दोनों से कि कौन सी लिरिक्स है, फिर कौन सा ऐसा इसका लाइन है जो यू नो उधर ही आपको लाइक कैच कर गया एंड यू फील लाइक कनेक्टेड. यार मेरे लिए तो the hook line is like very catchy, it's very, you know, what do you call it? It's very, आपको याद हो जाता है वो, मतलब आपको, और वो इतना, वो tune इतना catchy है, दो पल थमा, दिल का समा, फिर हम सफर हुई दूरियां, तो वो, फिर हम सफर हुई दूरियां, that's my catch line, I love it. Yeah, Shivan, that. What about you? I guess आजकल जितने भी गाने आते हैं ना, उनकी कुछ तो मतलब आते हैं, कुछ चले जाते हैं. ये गाना ऐसा है कि एंड हो सकता है कई लोग कई सॉन्ग आते हैं बहुत ट्रेंडिंग हो जाते हैं, दो महीना बहुत चलते हैं, उसके बाद हमें याद भी नहीं रहते. ये सॉन्ग ऐसा है कि ये लंबी रेस का घोड़ा है, एज वी से कि ये ऐसा सॉन्ग है कि लोग बाद में भी सुनेंगे, गुनगुनाएंगे, मुंह पे चढ़ने वाला सॉन्ग. सो एंड किसी को भी याद हो सकता है, ऐसा नहीं कि खाली यंगस्टर्स का सॉन्ग है या खाली हमारे कॉन्टैक्ट की एज के लोग हैं, हमारी एज के लोग हैं वो सुनेंगे. आई गेस इट्स फॉर एवरीवन. तो जो भी देखेंगे या जो भी सुनेंगे दिस विल रिमेन विद देम. ऑलराइट एंड डेफिनेटली ये गाना तो इतना कैची है कि लोगों को कहीं ना कहीं जहन में तो बैठेगा ही. लेकिन शिवन अगर मैं आपको पूछूं ये गाने की बेस्ट मेमोरी शूट या बिहाइंड द सीन्स तो वो कौन सी थी? आई गेस इस गाने का जो सबसे बेस्ट पार्ट है ऑब्वियसली ऑडियो तो है ही, बट ऑडियो बहुत अच्छा था तभी भी एक्सिक्यूटेड किया. अच्छा इसका हम वीडियो शूट करते हैं, लेट्स मेक इट अ म्यूजिक वीडियो. उसके लिए जो जो प्रोसेस था हमारा फॉर दिस वीडियो, इसकी प्रिपरेशन बहुत बड़ी थी, ज्यादा होती नहीं है, बट इसकी प्रिपरेशन काफी बड़ी थी इन टर्म्स ऑफ लाइक आवर डायरेक्टर करण अंशुमन एंड आवर डीओपी मुरली. दे ऑब्वियसली दे आर बिग नेम्स इन द इंडस्ट्री. करण इज अ पार्ट ऑफ नॉट अ पार्ट ऑफ ही इज द क्रिएटर ऑफ हिडन. So obviously you can think where he's coming from and it's his first music video. तो उनको भी एक था कि मुझे एक अच्छे से शूट करना है या फिर एक different theme देना है song को. And as an actor also for me and Apurva it was a responsibility कि song अच्छा है, director अच्छा है, we have to give our 100%. So जो पूरा theme है, एक बार अगर आप आराम से song देखेंगे, पहले आपको शायद मेरे साथ ऐसा हुआ जब मैंने एक दो बार देखा मुझे थोड़ा सा तो क्या हो गया एक song. फिर मैंने आराम से बैठ के एक एक शॉट आप देखेंगे और एक एक आप जस्ट उसकी फील देखेंगे, आई थिंक आप वो पूरे थीम में वहां खो जाएंगे. आई गेस दैट्स द बेस्ट पार्ट. अगर आप कोई चीज देखकर उसमें खो जाते हैं एंड आपको फिर रियलाइज होता है ओह वाओ ये क्या. एज अ क्रिएटिव पर्सन मुझे ऐसा चीज बहुत एंजॉय, मैं बहुत ज्यादा एंजॉय करता हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड ऑब्वियसली जो उसके पीछे का एक एक मुद्दा है दूरियां, जो हमारा सॉन्ग है जिसपे बेस्ड, ये सारी तो चलो क्रिएटिव चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, जो बेसिक चीज है जो कनेक्ट करती है लोगों को वो है दुनिया के. आपका कोई लव्ड वन अगर बिछड़ जाता है सो हाउ डू यू फील? यू रिग्रेट फॉर दैट. आप हो सकता है अभी शायद उन चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, अपने लव्ड वंस को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, बट एक बार जब वो नहीं रहेंगे आपकी लाइफ में या कहीं गुम हो जाएंगे तो आपको कैसा फील होता है? मुझे याद है बचपन में अगर मॉम डैड का अगर दो मिनट के लिए हाथ छूट जाता था तो यू जस्ट फील लॉस्ट कि मैं कहाँ आ गया, कहाँ गया. सो ऐसे जैसे हम दिखाया है कि जंगल में गए एंड योर लव्ड वन इज मिसिंग. सो आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट आल्सो, बट इट्स अ रियली स्केरी फीलिंग एंड यू जस्ट वांट टू कीप योर लव्ड वंस विद यू. सो ये एक फीलिंग आती है आपको इस सॉन्ग. Exactly, आपने बहुत ही अच्छे से यू नो एक्सप्लेन किया ये चीजें. लेकिन रियल लाइफ में पूछो तो क्या कभी ऐसे हुआ है कि आपके लव्ड वंस या फिर यू नो कभी ऐसे किसी के साथ आपके बीच में डिफरेंस आया, लाइक दूरियां आई हैं एंड यू हैव ट्राइड यू नो टू फिगर इट आउट थिंग्स, कभी ऐसा कुछ हुआ? Yes. मेरे ख्याल से यस ऐसा होता है. एक तो मैंने आपको एग्जांपल दे ही दिया, जैसे बचपन में होते थे कहीं घूम जाते थे तो हमें कैसा फील होता था. मेरे साथ तो बहुत होता था, जब भी मैं कोई ऐसे एडवेंचर पार्क वगैरह जाता था हमेशा घूम जाता था या मार्केट में घूम जाता था, फिर 5-10 मिनट बाद मिलता था.
But yeah, talking about recent times, yes, you regret sometimes. Ki agar recently, one of my friend, you can say हम साथ में काम करते थे, काफी time हमने साथ में काम किया था. So she passed away. And हमारा कुछ time से plan हो रहा था कि मिलेंगे, मिलेंगे, मिलेंगे. And obviously, it was really very unfortunate. And but वो बस सोचना कि वो यार हम तो मिलने वाले थे, what happened in life. So that just gives you a reality check that जो है वो अभी है, this moment is the only thing. बाद में या पहले कुछ नहीं है. So don't regret later. If you want to do something, कुछ दिल से आ रहा है तो अभी कर दो. So I guess that's the thing. Alright, and Raghav, अगर आपसे मैं पूछूं तो आपकी लाइफ में ऐसा कुछ है कि दूरियां बनी हैं, या फिर अगर ये गाना अगर आप दोनों को किसी को डेडिकेट करना हो तो कौन से इंसान के लिए आप लोग करना चाहोगे? यार आई सी मेरा थोड़ा सा वेर्ड है. सो बेसिकली आई वाज वेरी क्लोज टू माय ग्रैंडफादर, वो मेरे को बहुत प्यार करते थे. तो आई शिफ्टेड हियर इन 2017 आई थिंक इन जनवरी आई वाज प्लानिंग टू गो टू माय होम टाउन. बट कुछ हुआ, कुछ मैंने सोचा दो महीने बाद जाता हूँ, चलो कोई बात नहीं. तो देन इन मार्च ही पास जावे, तो इन मार्च पास या Yeah, so I was planning to go to my hometown in January, but मैंने वो delay किया तो मार्च में ही pass हुए. तो that is one thing कि मतलब मैं अपने दादाजी से मिल नहीं पा रहा. I was very close to him. Then I मैं जब आया था 2015 में, मैं तभी उनसे मिल के आया था, उसके बाद मैं उनसे मिल नहीं पाया. तो ये एक guilt रह जाएगा कि मैं अगर पहले चला गया होता तो मैं उनसे मिल लेता. That is one thing. बाकी yeah, this is one thing. अभी तो अपूर्वा हमारे बीच में नहीं है यहाँ पे राइट नाउ इन दिस सेशन, तो अपूर्वा को डेडिकेट करना चाहूंगा कि कहाँ गई अपूर्वा दूरियां. बट ऐसे सोचू तो आई गेस ये सॉन्ग मैं अपने खुद को डेडिकेट करना चाहूंगा. इट्स जस्ट अ रिमाइंडर ऑफ ओके, जो भी आपके लव्ड वंस हैं उनको अपने पास रखो, उनसे लड़ाई मत करो, एंड उनसे कभी दूर मत जाओ. क्योंकि अगर कभी कभी वो दूर चले जाते हैं, चाहे आपकी लाइफ से, चाहे उनकी खुद की लाइफ से, या जनरली भी इन रिलेशनशिप्स ऑल्सो हम फ्रेंडशिप में भी कई बार दूर हो जाते हैं. सो I guess that's a regret, and कई बार आपसे भी गलती हो जाती है, कई बार दूसरे से गलती हो जाती है. You just sometimes you take things for granted. So I guess ये हर इंसान को अपने लिए एक lesson सीखना चाहिए song से, या फिर obviously ये बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, but एक generally एक lesson generally भी सीखना चाहिए कि अपने loved ones से ज़्यादा दूर मत जाओ, अपने friends से ज़्यादा दूर मत जाओ. कुछ गलती भी है तो you can just forgive quickly. Alright, and इसके अलावा शिविन आपसे जानना चाहूंगी, जब भी हम लाइक आउट ऑफ द बॉक्स, जब भी हम बिग बॉस की बातें करते हैं आपका नाम हमेशा आता है. बिग बॉस सीजन 14 के लिए भी आया था, 15 आ रहा है, स्टिल आपका नाम आ रहा है. सो आर यू रेडी फॉर बिग बॉस? बिकॉज वी हैव सीन यू 13 में आप प्रमोशन के लिए गए थे. सो क्या कुछ प्लानिंग है? बिकॉज खतरों के खिलाड़ी हो गई, सो क्या नेक्स्ट हम आपको बिग बॉस में भी कभी देख सकते हैं? अभी मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं चल रहा है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जितना भी कुछ भी काम कर लो, कोई भी हार्डवर्क कर लो, कोई भी प्रोजेक्ट कर लो, घूम फिर के बाद बिग बॉस पे आ जाती है कि आप बिग बॉस कर रहे हैं कि नहीं. सारी बातें छोड़िए, आप बिग बॉस बताइए कर रहे हैं कि नहीं. आई गेस दैट्स अ फनी कॉन्वर्सेशन, बट आई डोंट नो. देखो मैंने कभी ऑनेस्टली जब खतरों में भी गया था तो कभी सोचा नहीं था. मैं सोचता था कि मैं कभी खतरों के खिलाड़ी नहीं करूंगा, एंड इवेंचुअली ऐसा हुआ क्या है, मैं पहुंच गया वहां पे. कुछ बहुत अच्छी चीजें करी, कुछ बहुत अच्छा नहीं किया, बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत फन रहा. सो आई गेस व्हेनेवर यू आर पार्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स और समथिंग रियलिटी शोज, आपको खुद भी नहीं पता लगता, इट्स अ ओवरऑल डिफरेंट एक्सपीरियंस. सो सोच के तो बहुत अच्छा लगता है, अच्छा बिग बॉस जाएंगे, 100-150 दिन एक घर में रहेंगे, बट आई डोंट थिंक सो इट्स रियली वेरी इजी. तो अभी के लिए तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि खतरों का भी कोई प्लान नहीं था, जस्ट हैपेंड. सो नेवर से नेवर, आई फॉलो दैट. ओके, एंड सीजन 14 की बात करो तो क्या कोई आपका घर में दोस्त था? बिकॉज ये सीजन काफी लाइक निकलने के बाद अब जोड़ियां बनी है, उनकी शादी होने वाली है. अच्छा ऐसा चल रहा है, ऐसे कुछ बहुत अच्छा मैं ऐसे नहीं कह सकता कि इस सीजन में
जैसे पिछले सीजन में रश्मि वॉज देयर, सो रश्मि इज क्लोज टू मी, हम काफी बार मिले हैं, हम जनरली भी लाइक यू कैन वी आर फ्रेंड्स यू कैन से. बट इस सीजन में जानता हूँ मैं कुछ लोगों को, जानता मैंने ज्यादा फॉलो नहीं किया सॉरी, बट ये वाला सीजन, बट ऐसे किसी को फ्रेंड नहीं कह सकता, बट यस जानता हूँ, अली को जानता हूँ, अली से काफी बार मिल चुके हैं हम लोग, जैस्मिन को जानता हूँ, कई और एक्टर्स को जानता हूँ, बट बहुत ज्यादा ऐसा बॉन्ड नहीं है, तो आई कांट कमेंट ऑन एनीवन. Alright, and well, ये गाने को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री को पसंद कर रहे हैं, तो इस गाने का अगर मैं पूछूं, इसका कोई सीक्वल हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी? Yeah, I guess इसका सीक्वल हो सकता है, ऑडियंस ने अगर इसको बहुत प्यार दिया, क्योंकि आजकल मुझे बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं कि एंड में हुआ क्या, कहाँ गई लड़की, what happened and all that. So it's a good thing, एक लोगों को मजा आ रहा है, एक रिस्पॉन्स बन रहा है. And अगर ये सॉन्ग बहुत पसंद आता है लोगों को and बहुत चलता है, तो why not? We can plan a season, part two if Raghav also agrees. Raghav, आपको best compliment क्या मिला है इस गाने के लिए? Like किसका सबसे ऐसे कोई compliment आया जो you know आपका दिल छू गया हो? Friends हो, family हो, anyone? मेरे को भी पढ़ने हैं अभी पीछे कमेंट्स, बट कॉम्प्लीमेंट किधर से, लाइक जो ऑडियंस देख रहा है या फिर वायरल में जिन्होंने सुना, कहाँ से, अब कहाँ से? एनी क्लोज, लाइक क्लोज वंस, लाइक जो आपकी फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, इंडस्ट्री के हो, या फिर लाइक प्रोफेशनल लाइफ, कोई भी ऐसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, वन ऑफ द बेस्ट यू नो, जो आपका कहीं ना कहीं दिल छू गया. तो मेरे कुछ फ्रेंड हैं इंडस्ट्री के, वो भी म्यूजिशियन हैं, उन्होंने मैंने उनको पहले सुनाया था ये, उन्होंने सुन के बोला कि यार ये जो गाना है ना, पहली बात तो ये, जैसे शिवन ने बोला कि ये बहुत टाइम तक चलने वाला है, एंड इसमें मैंने एक्चुअली मैंने टोन में टोन ट्वीक किया है, मेरा ये जनरल टोन नहीं है, मेरा टोन ट्वीक किया है, तो मेरे फ्रेंड ने बोला कि जो तूने टोन क्रिएट किया है, दिस इज साउंडिंग वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस, एंड जो जिन लोगों ने बोला है वो भी अच्छा काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, तो मेरे लिए बहुत बड़ा चीज है. मुझे कल से परसों से मैंने टीजर अपना अपलोड किया था सोशल मीडिया पे एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स पे, तब से मुझे कई फ्रेंड्स के बड़े फोन आ रहे हैं, अरे यार ये लगा मेरी शायद तारीफ करने के लिए आ रहे होंगे कि अच्छा यू हैव डन दिस वीडियो, यू लुक वेरी गुड. तो मुझे फोन आ रहे हैं राघव के लिए कि अरे यार तुमने यू हैव वर्क विद राघव, पहला यस बोलते हैं अरे यार प्लीज उससे मिलवा दे, अरे प्लीज एक बार उसको उससे वीडियो कॉल करवा दे, ये करा दे, मैला ओके ओके. मैंने आज सुबह राघव किया, मैला राघव आई एम गेटिंग लॉट ऑफ मैसेजेस, तो मेरे ख्याल से बहुत जल्दी फैन मीट एंड ग्रीट होने वाला है राघव के साथ. नहीं नहीं ये कुछ भी बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा कोई फैन मेरा कोई फैन नहीं है, आपको कोई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आया लाइक इंडस्ट्री से, फ्रेंड्स का, किसी के लिए लाइक, या फिर आपकी फैमिली का? लाइक ये जैसे मैंने वीडियो कही, इट्स मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड इट्स मोर स्टोरी टेलिंग, सो मुझे कई लोगों ने बहुत तारीफ की वीडियो की, उन्होंने बोला है हुआ लाइक रियली वेरी डूइंग रियली वेरी गुड वर्क इन द इंडस्ट्री एंड हुआ लाइक क्रिएटिवली वेरी साउंड, जिनसे मैं पूछता हूँ कि अच्छा कैसा है, हाउ थिंग्स आर, जो बड़े राइटर्स हैं या बड़े इंडस्ट्री में जिनको काफ़ी सेंस है सिनेमा की, तो उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगा है. एंड ऑब्वियसली जो हमारा वीडियो भी डायरेक्ट जिन्होंने किया है, करण अंशुमन एंड मुरली सरूज द डीओपी, दे आर ऑल्सो रियली वेरी सीनियर इन द इंडस्ट्री एंड वेल नोन, सो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इंडस्ट्री से प्लस फैंस से, फैंस को भी बहुत अच्छा लग रहा है सॉन्ग. सो अब मतलब अपने सॉन्ग की क्या ज्यादा तारीफ करूँ, लोगों का अब ये सॉन्ग मेरा या राघव का या लेबल का नहीं रहा, ये दुनिया का हो गया, तो अब ये उनके ऊपर है वो कितना पसंद है. Alright, so जाने से पहले दोनों से दो लाइन हो जाए इस गाने से, एंड जो भी मैसेज आप इसके बाद फैंस को देना चाहो. पहले तो एक लाइन दो लाइन राघव स्टार्ट, आई लिप सिंक, मेरा काम लिप सिंक है. दो पल थमा दिल का समा, फिर हम सफर हुई दूर,
कल साथ थे अब हैं जुदा, फिर हम सफर हुई दूरियां। ओके सो यस, फैंस के लिए क्या कुछ मैसेज जाने से पहले देना चाहते हो? फैंस के लिए बोलना चाहेंगे कि अगर आपने गाना देखा है, अगर आपको बहुत अच्छा लगा है, तो प्लीज इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ। इस गाने से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो वो सीखिए। एंड यस, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, एंजॉय कीजिए, शेयर कीजिए, एंड यस दैट्स इट। ऑलराइट राघव, आपको कुछ ऐड करना है? व्हाट यू लाइक टू ऐड? ऐड देखो, आपका चैनल का नाम क्या है? फिल्मी बीट। तो गाइस, हमारा नया गाना दूरियां आ चुका है वायरल ओरिजिनल्स पे। आप प्लीज देखिए, उसे प्यार दीजिए, उसपे कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, एंड उससे कुछ सीख सकते हो सीखिए। एंड ऑल्सो प्लीज गो एंड सब्सक्राइब, इधर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, सब्सक्राइब टू फिल्मी बीट, एंड इन पे भी अच्छे से कमेंट कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, एंड डेफिनेटली वी विल सी यू सून, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।